हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आपने भी कहीं से लोन ले रखा है और अगर आपका बैंक से लोन पे नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है ना, आपको फ़ोन वगैरह करेंगे कि भाई साहब मेरा लोन आप पे करें, बैंक से अगर नहीं कट रहा है, बैंक से अगर लिंक नहीं है तो फिर आप उस टाइम में कैसे पे करोगे। तो आपको पे करने के लिए ऑनलाइन पे करना होगा। तो ऑनलाइन पे करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बताने वाले, अगर आपके पास पेटीएम है तो आप पेटीएम से अपना ईएमआई का लोन कैसे पे कर सकते हो, यानी पेटीएम से आप जो है किसी भी चीज़ का ईएमआई कैसे आप भर सकते हो। तो यही इस वीडियो में बताने वाले। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक लाता रहता हूं ताकि आपकी जितने भी ऐसे प्रॉब्लम हो वो बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेंगे, देन आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा ऑप्शन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, रिचार्ज बिल पेमेंट का ऑप्शन में ही आपको व्यू मोड का एक ऑप्शन है, इसी पर एक बार आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे थोड़ा सा वेट होगा, वेट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, आप रेंट पे कर सकते हैं, केबल पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे कहीं भी आपको जो है ईएमआई का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज में। देखिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, LIC का इंश्योरेंस और पे लोन, ये वाला देखिए। तो पे लोन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप पे लोन पर एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये लोडिंग होगा। अब आपके सामने जितने भी देखिए पे लोड ईएमआई जो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको जो है फ्लैट 35 रुपीज़ का आपको जो है कैशबैक भी यहाँ पर से देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पर से चल रहा है, अभी यहाँ पर से ऑफर चल रहा है। तो अब आपके सामने सारा कंपनी जो आपका है ये आपका ओपन हो जाएगा, जो भी कंपनी आपके पास है। अगर देखो कोई कंपनी यहाँ पर नहीं मिला, डायरेक्ट आप सर्च करो वो कंपनी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरा कोई भी लोन वगैरह नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लेते कि मेरा आपका जो IDFC फर्स्ट बैंक है वहाँ से आपने लोन ले रखा है, तो यहाँ पर आपको EMI वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो अब आपको लोन का नंबर डालना होगा जो कि आपको पता होगा, जिसने भी लोन लिया है उनको पता होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखें कार का है कि एजुकेशन का है कि पर्सनल लोन है, जो भी है। अगर अदर है तो अदर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सेव बिल है, जहाँ पर से आपको अपना नाम वगैरह डाल देना है। यहाँ पर से कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप जो है, मैंने यहाँ पर से मॉम डाल दिया, सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आपको डालना क्या है, एक EMI का नंबर, देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा EMI का, जिसमें लोन नंबर आपको डालना है। लोन नंबर जैसे आप डालेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा आपके सामने प्रोसीड्स का ऑप्शन। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने पेटीएम वॉलेट से या बैंक अगर आपका लिंक है तो वहां से आप बड़ी आसानी से ईएमआई का लोन यहां से आप पे कर सकते हो। मेरे पास कोई नहीं है, वरना मेरे पास नंबर होता तो मैं आपको करके दिखा देता। मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस तरीके से आप पेटीएम से भी आप अपना ईएमआई का लोन बड़ी ही आसानी से पे कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियोस देखना चाहते हैं, यूजफुल टॉपिक, तो सब्सक्राइब तो बनता है, आप करके ही जाने वाले हो। चलो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।